फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। हाँ बिल्कुल, हमको भी पता है। एक्चुअली क्या है कि पटना में जितने भी बैंक हैं, जिसमें भी सुनील कुमार सिंह या वंदना सिंह के नाम से किसी का भी लॉकर है, उसको सभी को फ्रीज कर दिया गया है। उनको ऐसी आशंका है कि हमारे पास 10-20 लॉकर है, तो हम कहें कि हमारे नॉलेज में 2 या 3 लॉकर है, अगर इसके अतिरिक्त कोई लॉकर है तो कृपया हमें भी सूचित कीजिए, ताकि हमको भी पता लगे कि मेरा लॉकर कहाँ है। तो अभी जस्ट हमारी पत्नी ने फ़ोन किया, और CBI अफसर जो इसके IO हैं उन्होंने भी अभी हमको फ़ोन किया। हम बोले कि हम तो नहीं आ सकते हैं, आपको जहाँ भी लॉकर देखना है, जहाँ भी आपको लॉकर खुलवाना है, हम अपने वाइफ को बोल देते हैं, हमारी वाइफ बेटा के साथ आप लोगों के साथ चली जाएगी, और आप जो भी खोजना चाहते हैं आप खोज लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका एक टीम मेरे घर पर बैठा हुआ है और एक टीम बैंक में है, जहाँ बोरिंग रोड स्टेट बैंक का जो पर्सनल बैंकिंग है वहाँ पर है। तो वहाँ पर हमारी वाइफ पहुँच गई है, और जो भी होगा वो तो सामने आएगा ना। वो देखिए, जो मनसा से जो वो रेड किए, उसमें कहीं दूर दूर तक वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, उनका मनसा कहीं और है, कहीं पे निगाहें हैं और कहीं पे निशाना है, और हम नहीं समझते हैं कि वो सफल हो पाएंगे। और कहीं ना कहीं पूरे CBI और पूरे भाजपा, आप भी जानते हैं कि भाजपा का एक अंग CBI भी हो गया, भाजपा का एक अंग ED भी है, भाजपा का एक अंग IT भी हो गया। तो कहने का मतलब है, जो भी इनका महत्वपूर्ण अंग है, ये इस चीज पे लगा हुआ है कि किस तरह से इन लोगों के गठबंधन को दूर किया जाए, किस तरह से तेजस्वी यादव को किसी न किसी मामले में फंसा दिया जाए, किसी न किसी मामले में तेजस्वी यादव को आरोपित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त उनका कोई मनसा नहीं है। जो केस आपको सुनने में आता है कि भाई जो जमीन के बदले नौकरी दी गई, इससे इसको दूर दूर तक लेना देना नहीं है, दूर दूर तक लेना देना नहीं है। और हमारे पास 14 घंटा तक CBI के अफसर बैठे रहे, कभी भी उन्होंने मुझसे ये सवाल नहीं किया कि भाई ये जमीन क्या है, आप रेड आए हैं उसी सिलसिले में करने। और उस चीज को छोड़कर जो बाकी अनर्गल सवाल होता है वही लगातार वो करते रहे, और हमने भी उनको कहा कल्पना के आधार पर हम कोई जवाब नहीं देते हैं।